मॉर्निंग नर्सरी क्लास बच्चों, इंग्लिश की बुक खोलिए। आज हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, ठीक है। ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। ए फॉर एरोप्लेन, एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। ए फॉर एंट, एंट मीन्स चींटी। ए फॉर एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। नेक्स्ट, बी फॉर बॉय, बॉय मीन्स लड़का। B for bell, bell means घंटी। B for balloon, balloon means गुब्बारा। And B for ball, ठीक है। C for cat, cat means बिल्ली। C for cap, cap means टोपी। C for car, car means गाड़ी। C for cake। D for dog, dog means कुत्ता। D for doll, doll means गुड़िया। D for drum, drum means बाजा। D for duck, duck means बतख, ठीक है। इसके बाद है बच्चों, D के बाद क्या आता है, E। E for elephant, elephant means हाथी। E for eye, eye means आँख। E for eagle, eagle means चील। E for engine, ठीक है। F for flag, flag means झंडा। F for flower, flower means फूल। F for fan, fan means पंखा। F for fish, fish means मछली। G for girl, girl means लड़की। G for goat, goat means बकरी। G for grapes, grapes means अंगूर। G for glass, ठीक है। H for horse, horse means घोड़ा। H for hen, hen means मुर्गी। H for hat, hat means टोपी। H for house, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने रिवाइज किया, अब हम कॉपी में लिखेंगे D for dog, ठीक है। हमने C for cat तक लिख लिया था, आज हम लिखेंगे D for dog, ठीक है। तो आज हम क्या सीखेंगे, D बनाना। तो D कैसे बनाएंगे, फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन तक हाफ सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे, क्या बनेगा, D for dog। इस तरह से फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये ऐसे होगा, D for dog, हाफ सर्कल बनेगा। फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन तक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक हाफ सर्कल इस तरह से ड्रॉ करेंगे और बन जाएगा D for dog, ठीक है। इसी तरह से फिर से पहले स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन एंड हाफ सर्कल, फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन, ठीक है। तो इस तरह से D for dog बनेगा। आपको धीरे धीरे बनाना है, जल्दी से बनाएंगे तो गलत बनेगा, ठीक है। धीरे से लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हाफ सर्कल इस तरह से, स्ट्रेट लाइन एंड हाफ सर्कल। बच्चों एक पूरा एकदम प्रॉपर लाइन में होना चाहिए, जैसे ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन। अभी ये इस तरह से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करिए, उसके बाद ये हाफ सर्कल। D for dog, D for dog, D for dog, D for dog, ठीक है। इस तरह से हमने क्या सीखा, D for dog। आपके लिए होमवर्क है, ये तो वन पेज आपका रहेगा, या मैंने जैसे फाइव लाइन में कराया है आपको, लेकिन आप वन पेज D for dog लिखेंगे, ठीक है। सी डब्ल्यू में वन पेज रहेगा और एच डब्ल्यू में भी वन पेज आपका होमवर्क रहेगा, D for dog, ओके।